नमस्कार, करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के करंट अफेयर्स के वीडियो से आपको जानने को मिलेगा देश में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा विध्वंसक युद्ध पोत, बेस्ट टूरिज्म विलेज की लिस्ट में गुजरात का गांव, इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति, हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन के मार्ग पर गोल्ड टियर प्राप्त करने वाला पहला देश, देश के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, विश्व नंबर एक मैग्नस कार्लसन को हराने वाले केवल दूसरे भारतीय खिलाड़ी और भी बहुत कुछ। तो दशहरा की शुभकामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2023 तक। राष्ट्रीय भारत बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ। अभ्यास ने संयुक्त सामरिक अभियानों के संचालन में तालमेल की सुविधा प्रदान की। दोनों सेनाओं के बीच समझ और अंतर क्षमता को बढ़ावा देने के अलावा इसने भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंधों को मजबूती मिलेगी। भारत बांग्लादेश के संयुक्त नौसेना अभ्यास को INBN कॉर्पैट कहा जाता है। भारत बांग्लादेश के संयुक्त वायु सेना अभ्यास को टेबल टॉप कहा जाता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को नौसेना भौतिक एवं समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला NPOL के समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत INS सागर ध्वनि ने कोची स्थित दक्षिणी नौसेना कमान SNC के साउथ जेट्टी से 2 महीने लंबे सागर मैत्री मिशन 4 की शुरुआत की। सागर मैत्री DRDO की एक अनूठी पहल है जो सामाजिक आर्थिक पहलुओं के साथ साथ अधिक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बातचीत में घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के व्यापक उद्देश्य का समर्थन करती है। विशेष रूप से हिंद महासागर रिम IOR देशों के बीच महासागर अनुसंधान में इस नीति के तत्वाधान में DRDO ने मैत्री समुद्री और संबद्ध अंतः विषय प्रशिक्षण और अनुसंधान पहल नामक एक वैज्ञानिक घटक शुरू किया जो महासागर अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में IOR देशों के साथ दीर्घकालिक सहयोग स्थापित करने पर केंद्रित है। सागर मैत्री कार्यक्रम में INS सागर ध्वनि INS किस्तना के ट्रैक को दोहराएगा जिसने 1962 से 65 के दौरान अंतरराष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान में भाग लिया था। मिशन का उद्देश्य 8 IOR देशों ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और म्यांमार के साथ दीर्घकालिक वैज्ञानिक साझेदारी और सहयोग स्थापित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद में भारत की प्रथम क्षेत्रीय ट्रांजिट रेल सेवा नमो भारत ट्रेन का शुभारंभ किया। इस सेवा के पहले चरण में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर की दूरी तय होगी। इस यात्रा में साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो सहित कुल 5 स्टेशन होंगे। नमो भारत ट्रेन 107 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 6 कोच होंगे और 1700 यात्री यात्रा कर सकेंगे। एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है। भारतीय नौसेना को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने निर्धारित समय से 4 महीने पहले ही मुंबई में गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल सौंप दिया। परियोजना 15B श्रेणी का यह तीसरा स्टिल्थ विध्वंसक देश में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा विध्वंसक युद्धपोत है। इसे स्वदेशी इस्पात DMR-249A से निर्मित किया गया है। इसकी लंबाई 164 मीटर है और भार 7,500 टन से अधिक है। इम्फाल नौसेना का पहला युद्धपोत है जिसमें महिला अधिकारियों और नाविकों के रहने की व्यवस्था है।
P-15B श्रेणी के पहले पोत INS विशाखापत्तनम को 21 नवंबर 2021 को नौसेना में शामिल किया गया था, जबकि दूसरे पोत INS मोरमुगाओ को 18 दिसंबर 2022 को नौसेना में शामिल किया गया था। चौथा INS सूरत पिछले साल 17 मई को प्रक्षेपित किया गया था और यह अभी अंतिम चरण में है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा नेता इंद्र सेना रेड्डी नल्लू को क्रमशः ओडिशा और त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री थे। इंद्र सेना रेड्डी नल्लू तेलंगाना से भाजपा नेता हैं। क्या आपको मालूम है तेलंगाना के पहले राज्यपाल ESL नरसिम्हन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राज्यपाल हैं। उन्होंने 12 साल से अधिक के कार्यकाल के लिए छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। नागा रेजिमेंट की तीसरी बटालियन 3 नागा को सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार मिला। रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर KRC में बटालियन को प्रेसिडेंट कलर एक ध्वज प्रस्तुत किया गया। नागा रेजिमेंट की तीसरी बटालियन 1 अक्टूबर 2009 को हल्द्वानी में स्थापित की गई थी। भारतीय सेना ने वेल्स यूके में कैम्ब्रियन पेट्रोल प्रतियोगिता 2023 अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता। 3/5 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स की एक टीम ने वेल्स यूके में प्रतिष्ठित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय सेना की टीम ने इस आयोजन में भाग लिया और कुल 111 टीमों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की, जिसमें दुनिया भर के विशेष बलों और प्रतिष्ठित रेजिमेंटों का प्रतिनिधित्व करने वाली 38 अंतर्राष्ट्रीय टीमें शामिल थीं। मणिपुर का वन विभाग अमूर बाजों की गणना करेगा। अपनी तरह का यह पहला अभ्यास प्रवासी पक्षियों की रक्षा के लिए विभाग के कार्यक्रमों का एक हिस्सा होगा। उत्तरी चीन और दक्षिण पूर्वी साइबेरिया में अपने घरेलू मैदान से दक्षिण और पूर्वी अफ्रीकी तटों के लिए 22,000 किलोमीटर लंबी उड़ान के दौरान नागालैंड के वोखा, असम के दीमा हसाओ और मणिपुर के तामेंगलांग जिलों में अमूरबाज रहते हैं। छोटे आकार के पक्षियों का पहला जत्था शुक्रवार को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में पहुंचा, जिनकी संख्या लगभग 20 से 30 है। स्थानीय रूप से अमूरबाज को अखुए पुइना के रूप में जाना जाता है। अमूरबाज आमतौर पर अक्टूबर के मध्य में आना शुरू करते हैं। 1 महीने से अधिक समय तक रहने के बाद वे अफ्रीका के लिए अरब सागर के ऊपर पलायन करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नागालैंड के कोहिमा में नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च NIMSR का उद्घाटन किया। NIMSR नागालैंड में पहला मेडिकल कॉलेज है। देश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय तिरंगे को भारत पाकिस्तान सीमा की अटारी चेक पोस्ट पर अमृतसर जिले में लगाया गया है। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 418 फुट ऊंचे पोल पर राष्ट्रीय तिरंगे को देश को समर्पित किया। कला और संस्कृति। गुजरात के कच्छ जिले से धोर्डो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO सतत विकास के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाली एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, जिसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। गुरुवार को इसने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की अपनी सूची की घोषणा की। जुराब पोलोलिकाश्विली एक जॉर्जियाई राजनीतिज्ञ और राजनयिक वर्तमान में विश्व पर्यटन संगठन के महासचिव हैं।
अंतरराष्ट्रीय। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को बेकनिन में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की अवक्ष प्रतिमा का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत और वियतनाम के बीच करीब 2000 साल पुराने गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं, जिनकी जड़ें बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। जयशंकर ने टैगोर की अवक्ष प्रतिमा स्थापित करने में सहयोग के लिए हनोई के पूर्व में स्थित बेकनिन प्रांत के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। मंगलवार को उन्होंने वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर के ताओ दान पार्क में महात्मा गांधी की अवक्ष प्रतिमा का भी अनावरण किया। राजनीति में शामिल होने के 3 साल के अंदर एयरलाइन के पूर्व कार्यकारी क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। दक्षिणपंथी एसीटी पार्टी के साथ गठबंधन में उनकी मध्य दक्षिणपंथी नेशनल पार्टी ने पिछले हफ्ते के आम चुनाव के बाद नई सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें हासिल की। कभी आइसक्रीम और डिओड्रेंट विक्रेता रहे लक्सन न्यूजीलैंड में कास्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस और 3 दशक की उच्च मुद्रास्फीति के बीच एक लीडर के रूप में उभरे हैं। उन्होंने देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने और सरकारी कर्ज को कम करने की कसम खाई है। अपराध एवं हिंसा से जूझ रहे दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के पुनर्निर्माण का संकल्प लेते हुए कारोबारी उत्तराधिकारी डेनियल नोबोआ ने रविवार को राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। 35 साल की उम्र में डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हैं। नोबोआ ने चुनाव से पहले अपनी खुद की पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक एक्शन का गठन किया। उनके पिता अल्वारो नोबोआ इक्वाडोर में सबसे अमीर आदमी है। उनका व्यवसाय समूह इक्वाडोर की मुख्य फसल केले की खेती और शिपिंग में शामिल है। अल्वारो नोबोआ ने 5 बार राष्ट्रपति पद के लिए असफल चुनाव लड़ा। 1994 और 2000 के बीच फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी का सोमवार को 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कोसोवो, इंडोनेशिया और उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए अहतिसारी को दुनिया भर में सम्मानित किया गया था। उन्होंने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि युद्ध और संघर्ष अपरिहार्य थे। शांति इच्छा का सवाल है। सभी संघर्षों को सुलझाया जा सकता है और उन्हें शाश्वत बनने की अनुमति देने के लिए कोई बहाना नहीं है। अहतिसारी ने यह बात 2008 में नोबेल पुरस्कार स्वीकार करते समय कही थी। 17 अक्टूबर को चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के लिए पेइचिंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित एक दर्जन से अधिक विश्व नेताओं की मेजबानी की। यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की 10वीं वर्षगांठ थी। BRI को श्री शी द्वारा 2013 में अपने कार्यालय के पहले वर्ष में लॉन्च किया गया था, जिसमें 2 भाग शामिल थे। यूरेशिया में ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित वाला एक भूमि आधारित सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जिसका अनावरण कजाकिस्तान में श्री शी द्वारा किया गया था, और एक समुद्री रेशम मार्ग जिसे इंडोनेशिया में घोषित किया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मिस्र का अरब गणराज्य WHO मानदंडों के अनुसार हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन के मार्ग पर गोल्ड टीयर स्थिति प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। इसका मतलब यह है कि मिस्र ने WHO के प्रोग्रामेटिक कवरेज लक्ष्यों को पूरा किया है, जो देश को 2030 से पहले पूर्ण उन्मूलन के कम घटनाओं और मृत्यु दर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थापित करेगा। जब से मिस्र ने अपना राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है, जिसे 100 मिलियन सेहा अभियान के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है 100 मिलियन स्वस्थ जीवन, इसके परिणाम स्वरूप 60 मिलियन से अधिक लोगों का परीक्षण किया गया है और 4 मिलियन से अधिक लोगों का इलाज किया गया है। और ऐसा करके मिस्र ने 2014 में 300 प्रति 100
10 लाख से 2022 में 9 प्रति 1 लाख तक नए संक्रमणों की घटनाओं को कम कर दिया। यह प्रति वर्ष प्रति 1 लाख नए मामलों में 5 से कम हेपेटाइटिस सी उन्मूलन के अंतिम लक्ष्य और वायरल हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों के लिए समान स्तर के बहुत करीब है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से गगनयान मिशन की परीक्षण उड़ान का सफल प्रक्षेपण किया। यह परीक्षण उड़ान मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजने के इसरो के मिशन के लिए की जा रही तैयारी का हिस्सा है। इस परीक्षण उड़ान से आपदा की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालने की प्रणाली का प्रदर्शन किया गया। चीन में वैज्ञानिक समुद्र की सतह के नीचे 11,500 फीट दुनिया का सबसे बड़ा भूतकण डिटेक्टर बना रहे हैं। उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र न्यूट्रिनो टेलीस्कोप टाइडेंट, जिसे चीनी में हैलिंग या महासागर बेल कहा जाता है, को पश्चिमी प्रशांत महासागर के समुद्र तल पर लंगर डाला जाएगा। 2030 में पूरा होने पर यह मायावी कणों द्वारा बनाए गए प्रकाश की दुर्लभ चमक के लिए स्कैन करेगा। बाजार और अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक 425 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। रेपसीड और सरसों के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। गेहूं और कुसुम के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। जौ और चना के लिए क्रमशः 115 रुपये प्रति क्विंटल और 105 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर को पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 2028 का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि बिहार के किसान खेती में नए प्रयोग करने और अपनाने के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि नोबेल पुरस्कार विजेता एक अर्थशास्त्री ने नालंदा के किसानों को वैज्ञानिकों से भी बड़ा कहा। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाने के बावजूद बिहार के किसानों ने कृषि के पारंपरिक तरीकों और अनाज की किस्मों को संरक्षित रखा है। उन्होंने इसे आधुनिकता के साथ परंपरा के सामंजस्य का एक अच्छा उदाहरण बताया। क्या आप जानते हैं, 2013 में नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज बिहार के नालंदा जिले में जैविक खेती के तरीकों से प्रभावित हुए। उन्होंने किसानों को वैज्ञानिकों से बेहतर कहा और उनके अनुभवों पर शोध करने का आह्वान किया ताकि उन्हें कहीं और दोहराया जा सके। रविवार को पहले जहाज के डॉकिंग के साथ केरल में तिरुवनंतपुरम के पास देश के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल निर्माणाधीन विझिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट ने एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा किया। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइन से सिर्फ 10 समुद्री मील की दूरी पर स्थित और 18 मीटर की प्राकृतिक गहराई के साथ बंदरगाह में देश के समुद्री व्यापार को जबरदस्त बढ़ावा देने की क्षमता है, जो वर्तमान में दक्षिणी भारत में एक प्रमुख बंदरगाह की कमी के कारण पीड़ित है। विझिंजम में गहराई देश के किसी भी प्रतिस्पर्धी बंदरगाह की तुलना में अधिक है और या तो सिंगापुर, कोलंबो और ओमान में सलालाह जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बंदरगाहों से अधिक या बराबर है। यह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों को पार करने वाले बड़े कंटेनर जहाजों को विझिंजम में बंदरगाह तक निर्बाध रूप से पहुंचने में सक्षम करेगा। खेलकूद। भारत के ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने ओपन वर्ग में फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। उन्होंने फिडे विश्व जूनियर ब्लिट्ज
चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक भी हासिल किया। चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी। रैपिड एक शतरंज का खेल है जो आमतौर पर प्रति खिलाड़ी 10 से 60 मिनट के बीच एक निश्चित समय में खेला जाता है। ब्लिट्ज एक शतरंज का खेल है जहां सभी चालों को प्रति खिलाड़ी 10 मिनट से कम के निश्चित समय में पूरा किया जाना चाहिए। ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली कुछ असाधारण करने में कामयाब रहे हैं, कुछ ऐसा जो अब तक केवल एक भारतीय खिलाड़ी करने में कामयाब रहा है। विश्वनाथन आनंद के बाद कार्तिकेयन शास्त्रीय शतरंज के में विश्व नंबर एक मैग्नस कार्लसन को हराने वाले केवल दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। कार्तिकेयन ने कतर मास्टर्स 2023 के सातवें दौर में ब्लैक पीस के साथ मैग्नस के खिलाफ एक शक्तिशाली जीत हासिल की। सप्ताह के चर्चित व्यक्तित्व मनोहर सिंह गिल। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी मनोहर सिंह गिल का रविवार को दक्षिण दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। मनोहर सिंह गिल 14 जून 1936 से 15 अक्टूबर 2023, जिन्हें आमतौर पर एमएस गिल के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय नौकरशाह, राजनीतिज्ञ और लेखक थे। एक नौकरशाह के रूप में उन्होंने 1958 से 2001 में सेवानिवृत्त तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रूप में कार्य किया। गिल ने 1996 से 2001 तक टीएन सेशन के बाद भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया। उनकी प्रमुख उपलब्धि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की शुरुआत थी, जिससे काफी हद तक कदाचार पर अंकुश लगा। इस पद पर उनके काम के लिए उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। खालसा की 300वीं वर्षगांठ पर उन्हें निशान ए खालसा से सम्मानित किया गया था। चुनाव आयोग से अपने सेवानिवृत्ति के बाद वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ राजनीति में शामिल हो गए। 2004 में उन्हें पंजाब से राज्यसभा के चुनाव के लिए पार्टी द्वारा नामित किया गया था। उन्हें 2010 में फिर से चुना गया और 9 अप्रैल 2016 को अपना कार्यकाल पूरा होने तक इसके सदस्य के रूप में कार्य करना जारी रखा। 6 अप्रैल 2008 को आयोजित एक कैबिनेट फेरबदल में उन्हें युवा मामलों और खेल मंत्रालयों में राज्य मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल किया गया था। 2009 के भारतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद उन्हें मंत्री परिषद में फिर से शामिल किया गया और दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट रैंक दिया गया। उन्होंने युवा मामलों और खेल मंत्री के रूप में कार्य करना जारी रखा। युवा मामले और खेल मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने नई दिल्ली में 2010 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। 1972 में गिल ने हिमालयन वंडर ट्रेवल्स इन लाहौल एंड स्पीति पुस्तक लिखी, जिसमें लाहौल एंड स्पीति जिले में एक युवा आईएएस अधिकारी के रूप में उनके दिनों की कहानियों को याद किया गया। एक और पुस्तक जो उन्होंने लिखी वह है टेल्स फ्रॉम द हिल्स, लाहौलस एंड्योरिंग मिथ्स एंड लेजेंड्स 2014। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिचितों के साथ शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और देखते रहें करंट अफेयर्स बाय सर्विका। धन्यवाद।